नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं एक ऐसा हेयर ऑयल बना रही हूँ जो बालों के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल घर में बनाऊंगी तो इम्प्योरिटीज की कोई बात नहीं है। इसमें मैंने मेहंदी के पत्तों का इस्तेमाल किया है, गुलहर, हिबिस्कस या अरहुल, कई नामों से इसे जानते हैं। उस फूल को सुखा लिया है, ड्राइड गुलहर का इस्तेमाल किया है और नारियल का तेल, इन तीनों को मिला के बहुत ही बढ़िया हेयर ऑयल बना रही हूँ जो हमारे बालों को काला, घना और लंबा करेगा। बहुत ही बढ़िया है, इसे आप हफ्ते में एक दिन अगर मसाज करते हैं तो बाल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया है मैंने। गुलहर का प्लांट है, इसके फूल मैं तोड़ ले रही हूँ। आप चाहें तो जिसे ताज़ा फूल तोड़ा है उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्राइड फूल का इस्तेमाल किया है। इसे शेड में सुखा लिया है और ये है कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता के ताज़े पत्ते ही लीजिए, 5-6 इसके जो स्टेम्स हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। और ये है मेहंदी, मेहंदी के ताज़े ताज़े पत्ते तोड़ लीजिए। ये सारे पौधे जो हैं ये मैंने अपने घर के बाहर ही लगाए हैं। आपके पास अगर जगह है तब तो आप ज़मीन में लगा दीजिए, और नहीं तो गमले में भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। इस तरह के पौधे हमारे घर में ज़रूर होने चाहिए, इनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। ये ताज़े मेहंदी का पत्ता तो बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पर ये देखिए, मैं तोड़ के ले आई मेहंदी के पत्ते, कढ़ी पत्ता और गुलहर का फूल है। मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे मैंने सूखे हुए गुलहर के फूल का इस्तेमाल किया है, आप ताज़े का भी कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। पत्ते को मैं निकाल ले रही हूँ। ताज़े पत्ते को छूने की बात ही अलग होती है, बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। ये देखिए सूखे हुए, यहाँ पे मैंने लगभग 20 फूल लिए हैं, गुलहर के 20 फूल लिए हैं। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में आप या तो सरसों के तेल में बना सकते हैं या नारियल के तेल में बना सकते हैं, जो आपको पसंद आता है। मैं यहाँ पे नारियल के तेल के साथ बना रही हूँ। कढ़ाई के गर्म होने पर इसमें डाल देंगे नारियल का तेल। यहाँ लगभग मैंने 100 ग्राम के करीब नारियल का तेल लिया है। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ये देखिए हल्का सा गर्म हो गया है, फ्लेम कम कर देंगे, वरना ये जो तेल है वो जल जाएगा। फ्लेम कम कर दिया, लो कर दिया। अब इसमें ये पत्ते और गुलहर के जो फूल हैं वो डाल देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुलहर का ही फूल डाल दिया है। तेल ज़्यादा गर्म है, फ्लेम कम कर दिया है। एक एक करके गुलहर के फूल, मेहंदी के पत्ते और कढ़ी पत्ता तीनों को डाल देंगे और फ्लेम लो कर दिया है और धीमी आंच पे इसको करीब 5-6 मिनट तक इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे मिला दिया है और इसको छोड़ देंगे धीमी आंच पे। मेहंदी के फायदे तो हम सभी जानते हैं। कढ़ी पत्ते में बीटा कैरेटिन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बाल को काले, घने और मजबूत बनाते हैं। इसे 15 से 20 दिन तक जब आप लगाएंगे तो आपको फर्क खुद ही महसूस होगा। ये देखिए तेल पक गया है, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो मेहंदी के पत्ते हैं इसकी वजह से और जो गुलहर का फूल है उसकी वजह से इसका जो कलर है थोड़ा रेड में चला जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने गैस बंद कर दिया है। गैस बंद करके थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए फिर इसे हम छन्ने से छान लेंगे। नीचे में इसके जो कण हो जाते हैं ना फूल के, वो टूट जाते हैं, उसको आप छानेंगे तो उसका जरा ख्याल रखना पड़ता है। अब इसे छान लेते हैं। ये जो फूल हैं उसके जो छोटे टुकड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसको छानते समय थोड़ा ध्यान से हम छानेंगे। ये देखिए छान लिया, और स्ट्रेनर के ऊपर चम्मच रख के उसको प्रेस करके नहीं निकालेंगे, बस अपने आप जितना तेल नीचे जाता है बस उतना ही लेंगे। क्योंकि जब हम चम्मच से उसको और प्रेस करते हैं ना, तो जो गुलहर के फूल हैं या जो इनके पत्ते हैं उनके भी कण जो तेल है उसमें चले जाते हैं। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस डाल दिया और 10-15 मिनट छोड़ देंगे। यूं ही ये खुद ही जितना इसका तेल है वो छन जाएगा। ऐसे रख के छोड़ दीजिए। ये देखिए तेल का कलर
चेंज हो गया है। नारियल तेल बिल्कुल वाइट होता है, कलरलेस होता है, और ये देखिए इसमें कलर है। तो ये जो कलर आया है ये गुड़हल के फूल और ये जो पत्ते डाले हैं हमने मेहंदी के पत्ते, इसकी वजह से आया। बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो वेस्ट बच गया इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए और तेल को किसी शीशे के बॉटल में रख दीजिए, और हफ्ते में एक या दो दिन जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से अपने बाल में लगाइए, आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।